नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हमारे साथ हैं निधि कुमारी जी, और ये जूनियर एसोसिएट के पद पे कार्यरत हैं एसबीआई के अंदर। तो आज हम जानेंगे निधि जी से कि इन्हें जूनियर एसोसिएट के रूप में क्या क्या कार्य करने होते हैं। तो निधि जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो निधि जी, बताइए ज़रा कि आप कब सेलेक्ट हुई एसबीआई में? मैं SBI 2019 बैच जूनियर एसोसिएट की हूँ, और हमारी ज्वाइनिंग हुई है जनवरी 2020 में। ओके। तो इसमें क्या क्या कार्य करना होता है बताइए। SBI जूनियर एसोसिएट को पब्लिक रिलेटेड सारे कार्य करने होते हैं, जिसमें पब्लिक डीलिंग में अकाउंट ओपनिंग आ गई, KYC आ गई, ATM रिलेटेड इश्यूज आ गए, नेट बैंकिंग आ गए, हर तरह के काम जो पब्लिक रिलेटेड होते हैं। ओके। यानी कि डायरेक्ट ये पब्लिक डीलिंग ही इसमें आपको करनी है ना? अच्छा, टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसमें टाइमिंग क्या रहती है? हमारी ऑफिशियल टाइमिंग जो है वो 10 to 4:45 है। ओके। और क्या कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा लेट सेटिंग हो जाती है क्या? वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ब्रांच मिली है। अगर आपकी नीड होगी तो हाँ, आपको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, लेकिन फीमेल स्टाफ को बहुत देर भी नहीं रुकवाते हैं। ओके। मतलब अगर वर्कलोड ज़्यादा भी है तो फीमेल को जो है एग्जम्पशन दिया जाता है ऐसे मामले में, रुकने के मामले में, और जो बॉयज होंगे उन्हें थोड़ा सा लेट सेटिंग हो सकती है। यूजुअली जूनियर एसोसिएट का टाइमिंग जो होता है 4:45, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस 5:30 तक वो निकल जाते हैं, उससे ज़्यादा बहुत कम है। बहुत रेयर है जी। ठीक है, थोड़ा बैंक के बारे में मतलब ये सुनने में आता है वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, फ़ोन उठाने तक का समय नहीं है, लंच करने तक का समय नहीं है, तो थोड़ा सा बताइए कि वर्कलोड जो है वो कैसा है एसबीआई के अंदर? वर्कलोड है, ये बात सच है, क्योंकि बैंक जो है पब्लिक डीलिंग का काम है हमें, तो वर्कलोड होता है। ये भी सच है कि फ़ोन उठाने का भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हाँ हमें जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस में ज़्यादा कस्टमर डीलिंग होती है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होती है, बट डिपेंड करता है ब्रांचों पर। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि सभी ब्रांचों में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, है ना? नहीं, बड़ी ब्रांचों में या फिर अगर सिंगल काउंटर ब्रांच हो रहा है तो वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है। ओके। ठीक है, तो वर्कलोड तो ये रहेगा। अच्छा, साथ में ये बताइए, अभी जैसे कि पे रिवीजन होता है, सैलरी रिवाइज होती है, तो रिवाइज होने के बाद अभी एसबीआई क्लर्क की सैलरी जो है वो कितनी हो गई है, बेसिक कितनी हो गई है? हमारी बेसिक जो है वो 2900 है, 20,900। ओके। इसके अलावा डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिलता होगा ना? सब ये सब हमें मिलता है, सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो लगभग ग्रॉस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग कितना तक बन जाता है इसमें ग्रॉस में? हमें ग्रॉस सब कुछ मिलाकर 29 to 30,000 के अराउंड मिल जाता है इन हैंड। ओके। इसमें आप पीएफ और जो ईपीएफ वगैरह होता है वो कटने के बाद बता रही है ना? हाँ, वो डिडक्शन होने के बाद इनहैंड सैलरी जो हमारी है 29 to 30,000 के अराउंड हो जाती है। ओके। ठीक है, अब ये भी सुना गया है कि बैंक में भले ही आप क्लर्क लगें, मगर यदि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करते रहते हैं तो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। कहते हैं कि बैंक की शुरुआत भले ही पैसेंजर के डिब्बे से हो, मगर बाद में ये शताब्दी बन जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है प्रमोशन का चैनल? ये बात बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ जो प्रमोशन चैनल है वो बहुत ही फास्ट होते हैं और बहुत स्मूथ होते हैं। ओके। जैसे कि मैंने एज एन एसोसिएट ज्वाइन किया, तो आफ्टर 3 years JIIB एंड CAIIB मैं एलिजिबल हो जाती हूँ ऑफिसर कैडर के प्रमोशन एग्जाम में बैठने के लिए। ओके। अगर जो मैंने JIIB सिर्फ क्लियर किया है तो 4 साल में मैं एलिजिबल होती हूँ, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो वो एक लंबा टाइम होता है, उसमें JMGS बनते हैं आफ्टर 8 years। तो यानी कि अगर हम स्केल 1 की बात करें, जो PO वाला होता है, जो कि डायरेक्ट एंट्री होती है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप 3 साल में आप मतलब मिनिमम आपकी क्वालिफाइड सर्विस है अगर आप वो कर लेते हैं, और साथ में जो आपने 2 एग्ज़ाम बताए हैं JIIB और CAIIB, है ना, ये वाला अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये जो 2 एग्ज़ाम बताए ये मतलब एक तरीके से देना कंपलसरी है ना एक बैंकर के लिए? ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम ज़रूरी माना जाता है बैंकर्स के लिए, क्योंकि अगर जिनको प्रमोशन चाहिए तो एक तो CIIB और JIIB जो होता है IIBF कंडक्ट कराती है, और इसमें इंक्रीमेंट होता है। हमने JIIB और CIIB अगर दोनों क्लियर किया हुआ है तो हमें 4 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं, और प्रमोशन हमारा फास्ट हो जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर मैंने JIIB CIIB दोनों क्लियर किया हुआ है तो मैं 3 years में एलिजिबल हो जाती हूँ, और अगर सिर्फ JIIB किया है तो 4 साल, और अगर दोनों में से कोई नहीं किया है तो वो एक लंबा प्रोसेस है 8 साल का। ओके। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि 21-22 साल की उम्र में जो है क्लर्क बन गया, ठीक है, और वो सारे डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हैं वो क्लियर करता हुआ चलता है,
तो लगभग जो है ये बताइए कि जैसे कि स्केल वन के लिए आपने बताया 3 साल, फिर उसे स्केल टू अगर बनना होगा तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाई सर्विस कितनी है? जैसे हमारे यहाँ पे स्केल वन बनने के बाद 2 साल का प्रोबेशन होता है, ओके और उस 2 साल के प्रोबेशन के बाद हमारा एक एग्जाम होता है। ओके अगर उस एग्जाम को हमने क्लियर कर लिया विद 80% ऑफ मार्क्स तो हमारा स्केल टू डायरेक्ट होता है, और ओके अगर नहीं तो उसके 1 साल बाद, मतलब 3 साल के बाद। ओके ओके अच्छा ये बताइए, तो हमने स्केल समझ गए, मगर कोई भी बैंक में भर्ती होता है वो कहता है मैनेजर कब बनेंगे, कब हम शाखा प्रबंधक बनेंगे, तो कौन सा स्केल है जिसमें कि एक शाखा के प्रबंधक बन जाते हैं, किस स्केल से? शाखा प्रबंधक जो होता है यानी कि ब्रांच मैनेजर, वो छोटी ब्रांचें जो होती हैं स्केल टू भी होती हैं, स्केल थ्री भी ब्रांचेस है, स्केल फोर भी ब्रांचेस है, ओके और स्केल वन भी ब्रांचेस होती अच्छा स्केल वन भी होती है। जी हाँ, वो नीड पे डिपेंड करता है, वो छोटी ब्रांच होती है जो स्केल वन होती है, तो वहाँ पे जो स्केल वन ऑफिसर है जो टीओ या पीओ होते हैं तो उन्हें भी ब्रांच मैनेजर कहते हैं। स्केल टू ब्रांचेस में स्केल टू जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उन्हें भी ब्रांच मैनेजर कहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच है। कहाँ पोस्टिंग है, किस शहर के अंदर हैं आप, जी ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है बैंक के मामले में, ये भी कहा जाता है कि लोग जो है ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं कि ना हो, और इस वजह से अपने प्रमोशन भी छोड़ देते हैं, तो प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बताइए। मान लीजिए कि किसी को शुरुआत में ही आपको होम स्टेट मिल गया और होम टाउन के आसपास मिल गया, और वो अभ्यर्थी कहीं जाना ही नहीं चाहता, वो तो कहता है मैं यहीं अपने घर के आसपास रहना चाहता हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, क्या वो रह सकता है या नहीं अपने होम टाउन के आसपास, कि बैंक की पॉलिसी क्या है इसमें? प्रमोशन अगर आप लेते हैं तो बैंक के पास पूरा राइट्स है आपको ट्रांसफर देने का, ओके, आप उसमें कोई रोक टोक नहीं लगा सकते ओके, हैं। ओके, ओके। और अगर आपको ट्रांसफर नहीं लेना है, अगर जैसे कि जूनियर एसोसिएट बहुत लोग ज्वाइन करते हैं होम टाउन में, उन्हें प्रमोशन नहीं लेना है तो वो ट्रांसफर नहीं मिलेगा, वो अपने रीजन में ही ब्रांचेस चेंज होंगी। लेकिन अगर आपने जो प्रमोशन लिया ऑफिसर में और प्रमोशन आप लेते जाते हैं तो यू आर प्रोन टू ट्रांसफर। ओके, तो ये जो ट्रांसफर होते हैं ऑल इंडिया ट्रांसफर है? हाँ, ऑल इंडिया ट्रांसफर है। यूजुअली ये होता है कि स्केल फोर तक ट्रांसफर आप अपने सर्किल में रहते हैं। ओके, स्केल फोर तक। जी हाँ। और स्केल फाइव से जो है वो फिर जो है हाँ, आप आपका सर्किल चेंज कर सर्किल सकते भी है। चेंज हो सकता है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का है, यूपी का है, बिहार का है, प्रमोशन उसे मिल गए स्केल फाइव तक, मिल गए स्केल सिक्स तक, तो क्या वो साउथ में भी उसकी पोस्टिंग हो सकती है, साउथ इंडिया में भी हो जा सकता है? बिल्कुल हो सकती है। तो फिर उसे लैंग्वेज में वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि पब्लिक डीलिंग डायरेक्ट नहीं है, ओके, तो ओके, लैंग्वेज ओके, की दिक्कत नहीं है। लेकिन ओके, अगर डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है तो हाँ लैंग्वेज की दिक्कत होती है। ओके 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 ठीक है, काफ़ी अच्छा बताया आपने ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में। अब थोड़ा सा लीव के बारे में बताएं, वरना बैंक के में ये भी कहते हैं कि लीव की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लोग CL तक पूरी नहीं ले पाते हैं, तो ऐसा कुछ है और क्या है, बताइए थोड़ा सा लीव के बारे में। हाँ, बैंक में छुट्टियों की दिक्कत होती है, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे वर्क प्रेशर है तो छुट्टियों की दिक्कत होती है, लेकिन आपकी जितनी छुट्टियाँ हैं आप वो क्लियर कर सकते हो। ओके, अगर आपके कंट्रोलर आपको इजाजत दे रहे हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी कितनी CL मिलती है इसमें? CL हमें 12 मिलती है। अच्छा, इसके अलावा हमें PL मिलती है। PL का मतलब क्या है यहाँ पर बताएंगे? PL का I'm sorry, मुझे अच्छा जैसा अर्न लीव होती है उसी टाइप से है ना? ये अर्न लीव होती है, आप इसको अगर आपने किसी ने CL पूरे खत्म कर लिए हैं हाँ। और छुट्टियों की जरूरत है तो वो PL खत्म कर सकते हैं। ओके, और ओके। अगर किसी के PL बचे हैं हाँ। तो वो नेक्स्ट ईयर या 2 साल बाद उसको इनकैश कर सकते हैं। ओके ओके अच्छा मान लीजिए जो CL 12 हैं अगर इनमें से मतलब बच जाती हैं तो क्या वो लैप्स हो जाएंगी या उसके बदले कुछ दे दिया जाता है एम्प्लॉई को? UCL में कन्वर्ट हो जाती है, आप उसको अगले साल या जब आपको नीड हो अच्छा आप उसको यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मेडिकल लीव भी मिलती होगी इसमें? मेडिकल लीव हाँ, मेडिकल लीव भी हमें मिलती है। आपने अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको मेडिकल लीव की जरूरत पड़ रही है, आपने अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिए हैं तो हाँ आपको मेडिकल लीव मिलेगी, सिक लीव मिलता है हमें। ओके ओके और मैटरनिटी लीव जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिलती है, क्या वो बैंक में भी है? जी हाँ, हमें भी मैटरनिटी लीव मिलती है 6 मंथ्स की फॉर फीमेल स्टाफ, और पैटर्निटी लीव जो है वो मेल स्टाफ को मिलती है 15 डेज की। ओके अच्छा मेडिकल फैसिलिटी जो है वो सिर्फ आपके लिए है या फिर आपके जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी है? नहीं, मेडिकल फैसिलिटी जो होता है वो मुझे और मेरे डिपेंडेंट को भी मिलता है, क्लर्क में एक लिमिट तक मिलता है, ऑफिसर में अलग उसके अलग क्राइटेरिया। अच्छा 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 हाँ, पार्क एंड अलाउंसेज जो है वो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग भी जो है वो डिसाइड हाँ, होते हैं इसमें हाँ। ठीक है अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक स्कीम है LTC,
जिसमें कि आपको कहीं घूमना फिरना है तो उस तरीके का जो है कुछ आने जाने का किराया मिलता है, तो क्या बैंक में भी ऐसी कोई सुविधा की गई है? हाँ, हमें मिलती है, हमें LFC मिलती है। ओके। जैसे मैं अगर जूनियर एसोसिएट की बात करूँ तो हमें 2 साल या 4 साल का हमारा वो स्लैब होता है। ओके। वो हमें चूज करना होता है, हमें 2 साल का लेना है या 4 साल का, उसमें हमें LFC मिलती है, हमें ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। चलिए, आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैंक के बारे में बताई, मगर अभी तक हमने तैयारी के बारे में बात नहीं की है। तो अब हम थोड़ा सा जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं वो जानना चाहेंगे कि आपने जो इसकी तैयारी की वो किस तरीके से की। आपको Tier 1 और Tier 2 में से कौन सा ज़्यादा मुश्किल लगा, मतलब क्लियर करना बताएं थोड़ा सा। यूजुअली जो बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं वो 2 फेज में होते हैं, एक तो होते हैं हमारे जो टाइम बेस्ड होते हैं PT, और दूसरा होता है मेंस। मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, PT इसलिए टफ है क्योंकि क्वेश्चन इजी है, बट टाइम, PT इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आपने स्पीड और एक्यूरेसी पर आपकी पकड़ है तो आप PT क्लियर कर सकते हैं, और अगर PT क्लियर किया हुआ है तो मेंस बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि उसके पास आपके पास टाइम होता है क्वेश्चन समझने का, उसको सॉल्व करने का। ओके ओके। अच्छा ये बताइए, जैसे कि IBPS के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये होता है कि हर पोर्शन को अलग अलग क्लियर करना होता है, तो क्या SBI के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है IBPS और SBI के एग्जाम में। SBI में हमें जो होता है सब्जेक्टिव कट ऑफ नहीं होते हैं, हमारा ओवरऑल कट ऑफ होता है। तो मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली जो है SBI का एग्ज़ाम इजी इसलिए मुझे लगता है क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के लिए कोई सब्जेक्ट मुश्किल है तो बाकी 3 सब्जेक्ट पर उसकी अच्छी पकड़ है तो वो क्लियर कर सकता है, ओवरऑल कट ऑफ वो क्लियर कर ले। ओके ओके ओके। हाँ, ये जो है सभी लोगों को ये बात नहीं पता होगी, तो एक तो ये बता दिया आपने। और ये बताइए ईमानदारी से, आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले लगभग कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए? कितने मॉक टेस्ट दिए थे आपने? मैं मॉक लगभग की बात करूं तो मैंने बहुत दिए हैं, इतने कि मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि PT के मॉक टेस्ट यूजुअली 1 आवर्स के होते हैं, 20-20 मिनट्स के जो होते हैं, तो मैंने बहुत दिए हैं और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी था तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। ओके। पर हाँ, टाइम लगता है आपको बैंक के क्योंकि कॉम्पिटिशन अभी बढ़ गया है। हाँ, कॉम्पिटिशन बढ़ तो गया है, तो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं खासकर SBI क्लर्क के लिए, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी इस समय, थोड़ा सा कुछ बताएं? उनके लिए मेरी यही एक सलाह होगी कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत मजबूत रखें। अच्छा। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश पर अच्छी, जैसा मैंने कहा ना, PT इज ऑल अबाउट स्पीड एंड टाइम, तो क्योंकि 20 मिनट्स अगर आपने इंग्लिश में 30 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपके पास एक बहुत अच्छा चांस होता है PT क्लियर करने का। और सेम गोज विद मेंस, अगर मेंस में आपने बहुत अच्छा इंग्लिश में स्कोर कर लिया और GA में स्कोर कर लिया तो आपके लिए चांसेस है, क्योंकि रीजनिंग और QA मेंस के टफ होते हैं। ओके, तो निधि जी आपने इतना समय दिया हमारे चैनल को और इतने सारे जो भी हमारे दर्शक हैं देखने वाले हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।